हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साध्या है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जून से 30 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग में हम ओरेकल डेक इंक्लूड करेंगे और चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन में मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ और उनकी प्राइसेस आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, और सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो अगर आप करवाना चाहते हो कोई भी रीडिंग या कोई भी सर्विस लेना चाहते हो। यस, लेट्स सी कैपिकॉन्स के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। क्योंकि ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 19 की रात को, सो मे बी कुछ लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी होगी, हो सकता है कि वो आप अपनी लाइफ में अभी ऑलरेडी यू नो फेस कर रहे हो वो एनर्जीज। सो लेट्स सी कैपिकॉन्स का टाइम कैसा रहने वाला है बाकी महीने में। सिक्स ऑफ कप्स पेयर अप विद नाइन ऑफ कप्स। आप बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड करने वाले हो किसी के साथ। चांसेस हैं कि पर्सन आपकी पास्ट से रिलेटेड हो, अगर नहीं तो कोई ऐसा इंसान होगा जो कि, मतलब जब मैं पास्ट कह रही हूँ तो इट डजन्ट हैव टू बी कि आपका कोई एक्स रहा हो। आपका आपका फ्रेंड भी हो सकता है, स्कूल फ्रेंड भी हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, कोलीग भी पुराना कोई हो सकता है। सो मुझे लगता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में पास्ट से वापस आएगा जिसके साथ आप बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड करने वाले हो बाकी के महीने में। और कहीं ना कहीं जो भी इंसान है आपका, जब इनके साथ बातचीत होगी या जब आप टाइम स्पेंड करोगे, तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आप दोनों करोगे एक दूसरे के साथ, और उससे आप लोगों की दोस्ती जो है वो काफ़ी हद तक प्यार में बदलना शुरू हो जाएगी। अगर तो ये इंसान कोई नया है, जिन लोगों के साथ, मतलब जो चाहते हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, आपको पास का कोई एक्स नहीं चाहिए, अगर तो ये आपके लिए कोई नया इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके आप जब इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको काफ़ी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है ना वो याद आएंगी इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। हो सकता है कि इसको वैसी ही चीज़ें पसंद हो जैसे आपको पसंद हो सकता है ये उसी जगह रहा हो जहाँ से आप बिलोंग करते हो, हो सकता है कि ये भी मतलब उसी कंट्री स्टेट से बिलोंग करता हो जहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लगेंगी जो कि आप दोनों की काफ़ी हद तक मैच होती हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, ये आपको पास्ट की याद ज़रूर दिलाएगा इन अ पॉजिटिव वे, कोई नेगेटिव वे में नहीं। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए समबड़ी फ्रॉम द पास्ट है, मतलब कोई पास्ट का इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और अगर आप ऑलरेडी यू नो हैप्पी हो अपने हस्बैंड और अपने वाइफ के साथ, तो आप अपने आपका ये जो टाइम होगा, स्पेशली 15 से लेके 20 तारीख तक का जो टाइम है, वो टाइम स्पैन आप काफ़ी अच्छा एक यू नो पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए स्पेंड करोगे। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ेगा, दोस्ती एक दूसरे के साथ बढ़ेगी। हो सकता है आप पुरानी पिक्चर्स, शादी की या उसके बाद की पिक्चर्स निकाल के देखो, उससे आपकी यू नो पास्ट की मेमोरीज जो है वो ताज़ा होंगी, और उससे आपका कनेक्शन जो है एक यू नो एक नया पैशन आएगा आपके कनेक्शन में। सो कहीं ना कहीं पहले 5 दिन बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं आपके जो बाकी महीने के हैं, 15 से लेके 20 तक का। और जो लोग वेट कर रहे हैं किसी पास्ट के इंसान के साथ रिकनसाइल करने के लिए, बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि आप की लाइफ में वो इंसान इस टाइम के अंदर वापस आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी उस इंसान को मिस कर रहे हो, 15 से लेके 20 तक आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप चाह रहे हो कि कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हो जिसमें आप दोनों रिकनसाइल कर सको। अगर तो ये 15 से 20 तारीख के बीच में आप दोनों की बातचीत नहीं होती है या आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है, तो 20 के बाद आपकी लाइफ में ये बंदा एंटर होगा या ये बंदी एंटर होगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप और आपके पास का पर्सन जो है इस टाइम को एंजॉय करेगा। अगेन 15 से 20 तक अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। अगर आप नहीं मिले हो या आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है 15 से 20 के बीच में, तो 20 के बाद जो टाइम होगा, 20 से लेके 21-22 तक का जो टाइम होगा, उसमें आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आप स्पेंड कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये अभी आना है। तो मुझे नहीं लगता कि 20 के बाद ज़्यादा टाइम होगा, 20, 21 या मैक्सिमम 22 तक का आप, यानी कि 20, 21, 22 तक का टाइम होगा जिसमें आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी किसी पास्ट के इंसान से। और अगर तो ये कोई नया इंसान है, तो अगेन हो सकता है अगर आपकी लाइफ में अभी नहीं आया तो आप चाह रहे हो कि ऐसा कोई इंसान हो जो कि आपको
आपको जिससे मिलके ये फील हो कि जैसे आप एक दूसरे को बरसों से जानते हो, वो वाली चीज़ आपको चाहिए आपके कनेक्शन में। और ऐसा ही होगा जब 20, 21 और 22 का टाइम आएगा। लेट्स सी आगे क्या है। 3 of Swords, पेयर अप विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेंगे हम, बल्कि दो कार्ड जा रहे हैं। फोर ऑफ कप्स एंड कार्मा अंडरनीथ द डेक। यू डू हैव 6 of Pentacles। अच्छा, एक चीज़ आपको रिमाइंड करवाऊंगी यहाँ पे। अगर तो ये पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी बातचीत शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इनके साथ गुजरा हुआ पास्ट आपके जहन में वापस आएगा। अगर तो पास्ट नेगेटिव रहा है, तो कोशिश करो कि उस पास्ट को अपने जहन और दिलो दिमाग से निकाल दो। मतलब जब वो रीच आउट करेंगे तो या आप दोनों की जब बातचीत शुरू होती है, तो कोशिश करो कि पास्ट की नेगेटिव चीज़ें या पास्ट के नेगेटिव इमोशंस जो आपने एक्सपीरियंस किए इनके साथ रहते हो, उसको उसको बीच में डिस्कशन का पार्ट ना बनाओ। जितना आप न्यू एनर्जी लेके आगे चलोगे, उतना आप दोनों के लिए बेहतर होगा। जितना आप पास्ट को साथ लेके घसीटोगे अपने, और आप अपने प्रेजेंट को उसकी वजह से आप डिस्टर्ब कर दोगे, तो कोशिश करो कि ऐसा आप कुछ ना करो। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जो लोग अगर आप पास्ट के किसी पर्सन से रिकनसाइल कर रहे हो, या आप जा रहे हो उनके पास, या वो आ रहे हैं आपके पास, इस रिलेशनशिप को टाइम दो। दोस्ती के साथ आगे लेके चलो। ये नहीं करो कि जल्दी जल्दी चलो पास्ट का इंसान था तो अब बस सब शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जहाँ पे आप इस तरह से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाओगे शुरू में ही, तो चीज़ें ख़राब होंगी। कोशिश करो कि स्लोली चलो रिलेशनशिप को लेके, और चीज़ों को खुद से नेचुरली अनफोल्ड होने दो, बजाय इसके कि आप उसको जल्दी डाल दो या खुद भी जल्दी उनमें पड़ जाओ कि नहीं अब हमें इस कनेक्शन को आगे लेके चलना है। आपको फियरफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है वो मेंट टू हैपन है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अगर आप उनसे ज़्यादा पागल हो रहे होगे इस रिलेशनशिप में, या अगर आप उस चीज़ को जल्दी जल्दी करना चाहोगे, या रिलेशनशिप को फोर्सफुली आगे लेके जाना चाहोगे, तो आपके लिए गलत होगा। डोंट डू दैट। हो सकता है कि पास में भी आप लोगों का ब्रेकअप इसी रीज़न की वजह से हुआ हो। एक इंसान ज़्यादा पोजेसिव या ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है इस कनेक्शन के अंदर। अगर ऐसी सिचुएशन है, तो कोशिश करो कि वो मिस्टेक्स जो आपने पास में की थी, वो आप दोबारा ना दोहराओ। अपने आप को ईजी लेके चलो इस कनेक्शन के अंदर, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पास की चीज़ों को नहीं लेके आओगे, ना पास मिस्टेक्स को ना पास की बातों को, उतना आप दोनों के लिए इस कनेक्शन में बेहतर होगा। देखते हैं कि ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है बाकी के महीने में, और आपके लिए क्या गाइडेंस है लव लाइफ को लेकर। लेट्स सी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। मुझे लगता है कि आपके पास के पर्सन ही कोई है जो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अगेन, आपको इस रिलेशनशिप को चांस अगर देना है, तो मेक श्योर कि आप पास की रिलेशनशिप, चाहे वो इनके साथ है या चाहे किसी और के साथ है, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे निकल कर आप अपने फ्यूचर को देखो, और अपने अपने प्रेजेंट को देखो, और फिर फ्यूचर को देखो। कोशिश करो कि ऑब्सेसिवनेस अपने अंदर से निकाल दो। अगर आप किसी नए इंसान के साथ भी लाइफ में एंटर होते हो, एक न्यू साइकिल शुरू करते हो, तो मेक श्योर कि पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं, अगर आप ऑब्सेसिव हो गए थे रिलेशनशिप में आकर, अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी डाल दी थी आपने रिलेशनशिप में आके कि मुझे आप ज़्यादा डिमांडिंग कह लो कि आप ज़्यादा डिमांडिंग हो गए थे, अगर ऐसी सिचुएशन थी, तो कोशिश करो कि वो मिस्टेक्स जो आपने पास्ट के रिलेशनशिप्स में की हैं वो रिपीट ना हो, ताकि आपकी लव लाइफ जो है वो स्मूथली आगे चले। अब एक और ओरेकल लेंगे, उसके बाद हम कलर कार्ड पे जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। सो लेट्स सी, आप दोनों में से हो सकता है कि किसी को किसी चीज़ की एडिक्शन भी हो, तो मेक श्योर कि ऐसी कोई एडिक्शन ना हो जो कि आप दोनों के लिए ज़्यादा वो हो। एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को कोक की एडिक्शन होती है, कोक मीन्स कि कोका कोला, और आई यूज़ टू बी एडिक्टेड टू कोक, तो इसलिए मुझे पता है कि इट डजेंट हैव टू बी समथिंग नेगेटिव उस तरह से कि ड्रग्स एडिक्टेड है या कुछ इस तरह से। लेकिन कुछ इस तरह की एडिक्शन, जैसे स्वीट्स की एडिक्शन हो सकती है, कुछ इस तरह की कोई एडिक्शन हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है, तो कोशिश करो कि उससे भी अपने आप को निकालो। अगर रिलेशनशिप की हम बात करें, तो रिलेशनशिप में हो सकता है ऑब्सेशन या इस तरह की चीज़ की एडिक्शन हो आपको, कि आप बहुत ज़्यादा शिद्दत या एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हो रिलेशनशिप में आके, तो वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है। अगर तो कोई और खाने से रिलेटेड कोई एडिक्शन है, तो उसको भी आप कोशिश करो कि ओवरकम करो। उससे भी आपकी आपकी रिलेशनशिप पे काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आपके अंदर, अगर आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर ऐसा कुछ है, तो उसको हेल्प आउट करो, और ख़ुद भी अगर आप किसी ऐसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, तो उसको उससे निकलने की कोशिश करो।
आपका कार्ड है व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। जब आप एक यकीन के उसमें चल पड़ते हो ना तो आपको आपको सारी दुनिया जो है वो आसान लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से देखते हो। सो यही चीज़ आपको करनी है, आपको पास्ट का सब कुछ निकाल कर, पास्ट का सब कुछ भुला कर आपको सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है, सिर्फ अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचना है, ताकि आपके लिए आपकी लाइफ आगे आसान हो और वो जैसा आप सोचते हो वो ही आपकी लाइफ में आता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं मैं तो पॉजिटिव सोच रहा था लेकिन स्टिल नेगेटिव हो गया, ऐसे नहीं होता, इम्पॉसिबल चीज़ है ये। तो वही चीज़ है कि आप आप बोलो कि मैं लेफ्ट पे देख रहा था फिर भी मुझे राइट दिख रहा था, लाइक इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता है। सो यू रियली हैव टू बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। आप किसी और से तो झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से अगर आप झूठ बोल रहे तो दैट इज़ समथिंग रियली बैड। सो वैसे एग्जाम्पल वॉज फनी। खैर देखते हैं कि आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा बाकी के महीने में। लेट्स सी, पर्ल कनेक्टेड टू द डिवाइन, नंबर 25, 25th ऑफ द जून कुड बी लकी फॉर यू एज वेल, सिग्निफिकेंट भी हो सकती है आपके लिए। 25th ऑफ जून जो है इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। कनेक्ट टू द डिवाइन, यहाँ पे अगर हम बात करें कनेक्ट टू द डिवाइन, अगर आप इस वाले कार्ड के साथ अगर हम इसको मैच करें तो सेम एनर्जीज हैं। आपको चाहिए कि आप अपना यकीन, अपना भरोसा, अपने आप को अलाइन करो उन चीज़ों के साथ जो आप चाहते हो। सो जो चीज़ें आप चाहते हो जब आप उसके साथ अलाइन होगा तो आपका दिमाग, दिल और आपके अंदर से जो सोल है वो एक ही चीज़, एक ही डायरेक्शन को हासिल करने में लगेगी। अगर आप उस तरह से लेके चीज़ें आगे चलोगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में। अगर आप किसी के साथ पास्ट में से रिकनसाइल करना चाह रहे हो लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं ये बंदा तो पास्ट में ऐसा था, पता नहीं मुझे इसके साथ रहना चाहिए या नहीं, अगेन वो आपका माइंड जो है, माइंड चैटर जो है वो कुछ और कह रहा है, दिल आपका कुछ और कह रहा है, अंदर से आपकी सोल एक इनर कॉलिंग जो है वो कुछ और कह रही है। सो मेक श्योर कि आप टोटली अलाइंड हो, और अलाइंड आप तभी होगी जब आप डिवाइन से कनेक्टेड होगी। डिवाइन से कनेक्टेड मीन्स कि अपने आप को काम करो, अपने इनर चैटर को बंद करो और कोशिश करो कि गाइडेंस हमेशा सीक करो फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द गॉड दैट यू बिलीव इन, जिस गॉड से बिलीव के को मानते हो उससे एक हेल्प सीख करो, एक गाइडेंस सीख करो और उसके बाद आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी महीने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेपाल के थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। कॉमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।